प्रॉपर्टी मार्केट के लिए साल 2020 हाल के बरसों का सबसे बुरा साल साबित हुआ। लॉकडाउन में ठप हुई बिक्री की भरपाई तमाम जतन के बावजूद ये सेक्टर नहीं कर सका। 2021 में एंट्री के साथ रियल एस्टेट को अब नई चुनौतियों का सामना करना होगा। लोगों की पसंद और जरूरतों में हुए बदलाव को समझने वाले डेवलपर्स ही यहां टिकने में कामयाब हो पाएंगे। 2021 वर्ष रियल एस्टेट के लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसके अंदर हम फिर से वही डिमांड, इवन उससे ज्यादा अच्छी डिमांड को देखने को मिलेगी। अफोर्डेबल सेक्टर के अंदर ये वाली जो डिमांड है ये और भी ज्यादा आएगी। सरकार की तरफ से हम आशा करते हैं कि वो ऐसे ही इसी सेक्टर को सपोर्ट करते रहें। NoBroker.com की रिपोर्ट के मुताबिक 67% लोग तैयार घरों को ही खरीदना चाहते हैं। 21% लोग रीसेल में प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं, जबकि महज 12% लोग ही अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में घर खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। साथ ही बैंगलोर, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली NCR में 33% लोग दोबारा घर खरीदना चाहते हैं। यानी नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने में डेवलपर्स को 2021 में भी पसीने छूट सकते हैं। साथ ही उन्हें घरों को बेचने के लिए अपने अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स की रफ्तार भी बढ़ानी होगी। आदित्य के राणा के साथ आज तक ब्यूरो।